हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 25 सितंबर को होने वाले स्मैकडाउन लाइव के फुल प्रीव्यू के बारे में, जो कि होने वाली है क्लैश ऑफ चैंपियंस से पहले की लास्ट स्मैकडाउन। और इस स्मैकडाउन के लिए WWE ने तगड़ा प्रीव्यू दे दिया है। रोमन रेंस और जे उसो फिर होंगे आमने सामने, और इस बार रोमन रेंस जे उसो की तगड़ी कुटाई भी करने वाले हैं। और गाइस, इसी के साथ बात करेंगे आखिरकार बॉबी लैशली और ब्रॉक लेसनर का मैच हमें कब देखने को मिल सकता है, इसके बारे में एक बड़ी अपडेट आई है। तो दोस्तों, क्या है पूरी अपडेट्स और क्या कुछ होगा स्मैकडाउन पर, इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलो यार, वीडियो की शुरुआत करते हैं आपके लाइक से। और दोस्तों, लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट इनटू 100 करता है। पर हमेशा की तरह लेडीज फर्स्ट फीमेल डिवीजन की तरफ से एक बड़ा मैच कंफर्म हो चुका है नेक्स्ट स्मैकडाउन के लिए, और वो होने वाला है एलेक्सा ब्लिस वर्सेस लेसी इवांस का। और दोस्तों, आपने पिछले स्मैकडाउन पर देखा होगा एलेक्सा ब्लिस ने लेसी इवांस पर सिस्टर एबिगेल लगाया, जिसको देखकर सब चौंक गए होंगे। पर उसके बाद WWE ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि अब एलेक्सा ब्लिस लड़ाई के लिए तैयार है और वो लेसी इवांस को नेक्स्ट स्मैकडाउन पर फेस करेंगी। तो दोस्तों, ये मैच देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। और क्या अब एलेक्सा ब्लिस दोबारा सिस्टर एबिगेल का यूज करती है, और हमें आखिरकार पता चलेगा एलेक्सा ब्लिस का ऐसा बिहेवियर क्यों है। इसके बाद बात करें गाइस बैली वर्सेस निकी क्रॉस के बारे में, जो कि स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए फ्यूड है। हमें ये फ्यूड भी आगे कंटिन्यू देखने को मिलेगी। पर WWE अभी इस फ्यूड में क्या कुछ नया दिखाने वाली है, सासा बैंक्स का हमें रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है। हमें नेक्स्ट स्मैकडाउन पर इस फ्यूड में जरूर कुछ ना कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग और शॉकिंग देखने को मिलेगा। इसके बाद गाइस, एक और मैच कंफर्म है नेक्स्ट स्मैकडाउन के लिए, जो कि होने वाला है जेफ हार्डी वर्सेस सैमी जेन के बीच में रीमैच। दो हफ्ते पहले भी इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच मैच हुआ था, वहां पर इंटरेक्शन होती एजे स्टाइल्स की, और नेक्स्ट स्मैकडाउन पर भी हमें कुछ ऐसे देखने को मिल सकता है। और गाइस, यहां पर हमें इंटरेक्शन के बाद देखने को मिलेगा लैडर्स चेयर टेबल्स का पूरा इस्तेमाल, क्योंकि क्लैश ऑफ चैंपियंस में इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में होने वाला है लैडर्स मैच। तो हमें क्लैश ऑफ चैंपियंस से पहले छोटा सा प्रीव्यू देखने को मिल सकता है, और WWE इशारा करेगी आखिरकार क्लैश ऑफ चैंपियंस के लिए क्या प्लान्स होने वाले हैं। तो क्लैश ऑफ चैंपियंस से पहले WWE किसे स्ट्रेंथ दिखाती है इन तीनों में से, ये देखना काफी एक्साइटिंग होगा। इसके बाद गाइस, बात करें ब्रे वाइट के बारे में, और जैसे कि आपको पता है ब्रे वाइट ने नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया था बॉबली वॉलरस। पर अब बॉबली वॉलरस क्या कमाल करके दिखाता है, पर गाइस जैसे कि आपको पता है बॉबली वॉलरस थोड़ा बहुत मिलता जुलता है पॉल हेमन से। तो गाइस, क्या यहाँ पर ब्रे वाइट टीज करेंगे कि क्लैश ऑफ चैंपियंस के बाद रोमन ने इसको फील्ड को फेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्मैकडाउन पर क्या नया लाने वाले हैं ब्रे वाइट, ये देखने में तो काफी मजा आएगा। इसके अलावा दोस्तों, हमें एक और इंटरेस्टिंग सेगमेंट देखने को मिलने वाला है नेक्स्ट स्मैकडाउन पर, जो कि होगा ओटिस वर्सेस मिस के बीच में। और दोस्तों, रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्टजर का कहना यह है कि हमें ओटिस और मिस के बीच में एक ऐसा मैच देखने को मिल सकता है, जो कि होगा मनी द बैंक कॉन्ट्रैक्ट के लिए। जो भी इस मैच को जीतेगा उसके पास रहेगा मनी द बैंक कॉन्ट्रैक्ट। और नेक्स्ट स्मैकडाउन पर मिस इस तरह का कोई चैलेंज कर सकते हैं, और हो सकता है हमें यहाँ पर मनी द बैंक कॉन्ट्रैक्ट होल्डर चेंज होता हुआ दिखाई दे। तो नेक्स्ट स्मैकडाउन पर मिस और ओटिस का सेगमेंट देखने में काफी मजा आने वाला है, ओटिस को किस तरह से बुक करती है WWE। इसके बाद गाइस, बात करें मेन इवेंट के बारे में, जो कि हमें देखने को मिलेगा यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, और यहाँ पर पहले आएंगे रोमन रेंस और पॉल हेमन। और WWE ने बता दिया कि हमें नेक्स्ट स्मैकडाउन पर रोमन रेंस का इंटरव्यू देखने को मिलेगा, और जो कि लेंगे पॉल हेमन। वैसे दोस्तों, आपको पता है इंटरव्यू तो सिर्फ एक बहाना है, ये जैसे कि लास्ट मौका है क्लैश ऑफ चैंपियंस से पहले। तो WWE रोमन रेंस और जे उसो के बीच में जरूर कुछ ना कुछ बड़ा दिखाने वाली है। और यहाँ पर जब पॉल हेमन इंटरव्यू ले रहे होंगे रोमन रेंस का, हमें इंटरप्शन देखने को मिल सकते हैं जे उसो की, जिस वजह से हो सकता है रोमन रेंस भड़क जाए और अटैक करे हैं अपने ही भाई जे उसो पर। और गाइस, यहाँ पर हमें रोमन रेंस का ब्रूटल अटैक देखने को मिल सकता है, चेयर शॉट लगा सकते हैं रोमन रेंस जे उसो को, जिससे कि WWE फैंस क्लैश ऑफ चैंपियंस के लिए और भी ज्यादा हाइप्ड हो जाए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाए। तो नेक्स्ट स्मैकडाउन पर ये सारे सेगमेंट और मैचेस हमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा WWE क्लैश ऑफ चैंपियंस के लिए और अच्छे से बिल्डअप दिखाएगी नेक्स्ट स्मैकडाउन पर। अब गाइस, बात कर लेते हैं ब्रॉक लेसनर और बॉबी लैशली के मैच के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है 2 साल पहले जब भी बॉबी लैशली ने रिटर्न किया था, उन्होंने इच्छा जताई थी कि वो अपने रिटर्न के बाद मैच रेसल करना चाहते हैं ब्रॉक लेसनर से। पर अभी तक हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला, क्योंकि ब्रॉक लेसनर की जब भी फ्यूड होती है वो किसी टाइटल के लिए होती है, और तब बॉबी लैशली के पास कोई टाइटल नहीं था। पर गाइस, अब से फिर से ही ट्विटर पे बॉबी लैशली से एक फैन ने सवाल पूछा है कि ब्रॉक लेसनर के बारे में क्या ख्याल है, ब्रॉक लेसनर से कब फाइट होगी। तो बॉबी लैशली ने उस ट्वीट को रिप्लाई किया है, और उन्होंने कहा है मैं तो ब्रॉक लेसनर का कब से इंतजार कर रहा हूँ, और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है। यहाँ पर बॉबी लैशली का सीधा सीधा कहना है कि वो अपने आप को पूरा बिल्ड कर चुके हैं, उनके पास टाइटल भी है, और वो रॉ पर एक टॉप सुपरस्टार में आ चुके हैं। तो यहाँ पर पूरी तैयारी कर ली है उन्होंने ब्रॉक लेसनर से फाइट के लिए, पर अब तक ब्रॉक लेसनर कोई रिप्लाई नहीं आया। वैसे गाइस, ब्रॉक लेसनर सोशल मीडिया पर नहीं है, तो सोशल मीडिया पर तो रिप्लाई कर नहीं सकते, भले ही हमें किसी इंटरव्यू या फिर जब ब्रॉक लेसनर रिटर्न करेंगे तो हो सकता है वो बॉबी लैशली का चैलेंज एक्सेप्ट करें और फेस ऑफ हो बॉबी लैशली के साथ।
पर गाइस ये मैच हमें किसी बड़े ही पेपर में देखने को मिलेगा या फिर रॉयल रंबल या फिर रेसलमेनिया 37 में, तो हमें इस मैच के लिए तो वेट करना पड़ेगा। पर गाइस अगर WWE सही में इस मैच के बारे में सोचती है तो हमें जरूर कुछ ना कुछ फ्यूड की स्टार्ट होते ही दिखाई देगी इसी साल। पर ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा कि ब्रॉक लेसनर कब एक्सेप्ट करते हैं बॉबी लेसली का चैलेंज, और ब्रॉक लेसनर क्या हम फिर से हमें किसी टाइटल फ्यूड में देखने को मिलेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना। दोस्तों आप जरूर कमेंट करके बताना कि आप ब्रॉक लेसनर वैसे बॉबी लेसली का मैच किस पेपर व्यू में देखना चाहेंगे और किस टाइटल के लिए। और दोस्तों अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करने से बेल आइकन प्रेस कर लेना जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। थैंक्स वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।